पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, इसका कोई प्लान नहीं। क्या प्लान? मोटरसाइकिल कट सिलेंसर लगा लेने, पड़पड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, झंडे वगैरह कुछ भी नहीं लगाना बेटा। बचपन में लगाए थे, उसके बाद तो हमारे अपने झंडे बने होंगे। अब नहीं लगा लेते हैं। चलो व्लॉग बना लेते हैं। नमाज पढ़ लें, साफ व्लॉग भी बन जाएगा। अच्छा, नमाज पढ़ लें फिर चलते हैं। तेरा दिल कर रहा है ना? आईफोन दिखा दे रहा अपना, आईफोन देखो अभी मेरे मुंडे का। चल नमाज पढ़ लें फिर चलते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। मैंने सोचा आपको बता दूं, अगर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती तो मैं बता दूं कि हाँ आजादी है। अच्छा जी, सीन क्या? सीन ये है कि जी हम तो हो चुके हैं बुड्ढे, लेकिन अवैस हमारा भी बच्चा है। अवैस का दिल कर रहा है 14 अगस्त सेलिब्रेट करने का। अब मैं 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए इसके साथ मोटरसाइकिल का सिलेंसर उतार के पर तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ घर को डेकोर करने में इसकी मदद कर सकते हैं, इसका साथ दे सकते हैं। घर को डेकोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए अम्मा जी? उसको झंडा बड़ा सा ला दो। ठीक है, ये झंडिया जो लगाते हैं बच्चे घर नहीं लगाते। चलो जी, झंडिया ला देते हैं, घर को सजा लेते हैं, झंडा ला देते हैं। उसके अलावा फिर ये है कि सजा रहे झंडिया ला के दो उसको, वो झंडा लगा लेगा बड़ा, वो छोटी झंडी से यूं करके कर ले शौक पूरा। यूं करके वही घर को सजा देना, आपका फ्रंट सज जाता है, वही एक बात है ना। उसके अलावा बाजे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाजे, बाजा सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाहर जाके मैंने लोगों से गालियां नहीं खानी, घर के अंदर अम्मा और बाबा को तंग करेंगे बाजों से और इनसे गालियां खाएंगे। सारा दिन वैसे भी तो खाते हैं ना, आज किसी वजह से खा लेंगे। ओके, यहाँ पे क्या चल रहा है जी? खुली डुल्ली चीनी सूजी क्या बना रहे हो माँ जी? ये क्या घी क्या बना रहे हो? ये देसी घी। देसी घी है तो बदबू तो आ नहीं रही। बदबू कहते हैं, खुशबू कहते हैं। अच्छा, क्या बना रहे हो? मैं हाजरी बना रही हूँ, 25 मोहर्रम है ना, मेरे मौला की नियाज बना रही हूँ। हाँ जी, मौला की हाजरी बन रही है हलवा। तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, आई थिंक जैसे कंप्लीट हो जाता है मैं फिर आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि अम्मा हलवा बहुत मजे का बनाती है, खीर उससे भी ज्यादा मजे की बनाती है, है कि नहीं? नियाज ना खुद ही प्यारी बन जाती। आजा भाई फिर चले हैं, सामान समूल ले हैं। हाँ जी, झंडा पिछले साल का पड़ा हुआ, मैं तुम लोगों को वो देती हूँ। ओए हाँ, पिछले साल याद भी पड़ा था, ये नहीं था पिछले साल, मुझे याद है बड़े वाला झंडा मैं लेके आया था। बांस भी बड़ा वाला, तुम वो लगा रहे हो ना, बाकी झंडियां इसको ला देना। दिखाओ पहले झंडा लेके आओ, कौन सा इसको पसंद आता तो फिर। ये कितना बड़ा झंडा चाहिए? कितना का बड़ा? ये पता है कितना बड़ा? ये देख बड़ा, ओए ओए इसलिए होने वाला है अम्मा, इसलिए होने वाला। ओए वादू है यार, तो बहुत बड़ा डंडा की तरह इसका पड़ा। बस ठीक है, अब क्या रह गया? झंडियां और बाजे और तेरे मुंह पर लगाने वाले वो स्टिकर। इसको झंडियां ला दे, ठीक है, मौला की शहादत भी है। हाँ जी, इसको झंडियां ला दे ताकि अपना शौक पूरा कर, बाकी शौक चला भाई। झंडियां ले जाते हैं और साथ बाजे ले आते हैं। चल इसको तय लगा के रख दे आगे, इसलिए कर लेंगे और डंडा बाहर पड़ा हुआ। ठीक है चलो चलो जी। चल भाई, तेरा झंडा पूरा हो गया, ये डंडा भी आ गया, झंडा भी आ गया, अब झंडियां रह गई और बाजा रह गया। ऐसे ही है यार, आपने ये खत किस तरह का करवाया यार? यार किस तरह मुझे छोटी छोटी करवा ली, ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर क्या होगा, मैंने छोटी मुझे कराई, क्या हो गया? सर पे बाल आते नहीं, दाढ़ी वैसे बढ़ते हैं जैसे कोई स्वभाव का काम है। स्वभाव का काम है, दुख है आपका, दुख है यार। चल भाई चलिए। अल्लाह रहमान रहीम। आए 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 आए, बचपन में भाई इस दुकान पे आके ना मौत लगती थी यार। क्या क्या पड़ा हुआ निजाम बेटा, थोड़ा साइड पे हो। ये लड़ियां बनी हुई है जी, ठीक है, आपको बनानी नहीं पड़ती। दिखाएं जरा, दिखाएं दिखाएं दिखाएं, यही है भाई। हां जी, ये कितने की है जी? 100 रुपए की एक लड़ी, एक लड़ी 100 रुपए दी है बेटा। हाँ जी, तो वेख लो, उसके बाद तुम देखो, मैं और सामान देख लूँ। बड़ी बड़ी वैरायटी, बड़ी बड़ी यहाँ पर। तो ये देखो 14 अगस्त का बाजा, इसके बगैर 14 अगस्त में दूरी है यार। छोटा है, ऐसा तो बड़ा नहीं गा, ऐसा तो बड़ा बनाओ, कन्ना से कीड़े निकल जाते। ये आ गया वो जो मौलवी हजरात पहनते हैं,
उसके बाद ये क्या भाई, खोली जरा इसको, सीधा करी खाई ठीक है भाई, कमाल यार है, ये लगा जरा पहन के दिखा, पहन के दिखा जरा, आया तेरी तो वैसे भी बाल लंबे ही हैं शहजादा भाई, सही लग रहा भाई जबरदस्त, ये भी ये क्या भाई, अच्छा बेसबॉल बना हुआ, कमाल यार। अच्छा हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, झंडियाँ थी या बैज था और बाजे हल्के फुलके, अब तो बाजे भी आला क्वालिटी के आ गए हैं। अब ऐसा आप क्या फाइनल किया, क्या लेना है, ये लेना है, मैंने तो बाजा लेना यार, वो बड़े वाला दिखा बाजा, इससे भी कोई बड़ा है तो वो भी दिखा, ऐ दिखा जरा, ऐ वो जा जरा बजा के दिखा जरा, सही फुल जोर ना, बहुत बुढ़ी यार, ये निकाल दे एक, हाँ और क्या लेना तूने, बैज बूज कुछ, वो विग वाली टोपी भी ले ले, पैन बड़ा प्यारी लगी, और देख ले कुछ, ऐ लल्ला ऐ पा आया, सिंड्रेला लगेगी पूरी। चाचू ये कितने का यार, 400 रुपए, और चाचू 400 महंगा है, कुछ सस्ता करो, 500 दे, इलेक्ट्रिकल वाजा बनाओ जरा कान पाड़ दे, एक ये भी दे दो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो जी शॉपिंग वगैरह वैस की सारी हो गई है, मैंने तो इसे कहा था वो विग वाली टोपी भी ले ले, फिर बैज भी ले ले, कहता नहीं भाई बस ये काफी है, बाजा ये मैंने लिया है भाई, बड़ा टैलेंटेड बाजा, चेक करके दिखा जरा, ये देखो पूरा बंद हो जाता है, तो जैसे मर्जी खोलो तोड़ ना, बच्चे मन थोड़ा दो चार बजा तो लैन दे, बंद कर सही तरह, हूँ खोल जरा बना के दिखा दोबारा, ये चेक करो भाई हूँ तो जा जरा बजा, एक मिनट पर कर बंद कर लेना, चल तेरे मर जान दुश्मन, ये बाहर नहीं बजाना, लोग बहुत गालियां निकालेंगे यार, मजे की चीज है यार देखना, ओए 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 कान खराब हो जाएंगे, मम्मा का रिएक्शन देखने वाला होगा, जो अम्मा ने गालियां निकाली है ना, जब मैंने पीछे से जाके ऐसे करना है। चलो जी, अच्छा जी अब सीन ऐसे है कि अवैस के साथ मिलके हमने ये जो साइड है हमारी, ये सारी झंडियों से फिल करनी है, और वो ऊपर टॉप पे हमने लगाना है अपना झंडा, लेकिन अभी अम्मा का जरा कानों के कीड़े निकालते हैं, छोटा सा बाजा लेके आओ मम्मा, छोटा बाजा अपने जैसा बाजा लेके आ गया, दिमाग खराब, मुझे याद आया अम्मा जी वो जो आपके दांत की हमने रूट कैनाल करवाई है ना परसों वाले या चौथ वाले आई थिंक व्लॉग में, उसके ऊपर माशाल्लाह माशाल्लाह 2200 कमेंट्स हैं, 2200 कमेंट्स, ठीक है, और मोस्टली जो है वो लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी तो हमारे हर व्लॉग में ही होते हैं ना, उस पर मोस्टली लोग इंडिया से हैं जिन्होंने इतनी दुआएं भेजी हैं, इतनी दुआएं भेजी हैं, माँ जी तकलीफ में हैं, फिर गेट वेल सून माँ जी, आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे, तंदरुस्ती दे, इस तरह की ना बहुत ज़्यादा दुआएं पढ़े तूने कमेंट्स, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको उनको एक एप्रिसिएशन का मैसेज भेजना चाहिए, उनके लिए दुआएं भेजनी चाहिए, मेरे लिए इंडिया हो पाकिस्तान हो मेरे सारे बच्चे, मैं सबको दुआ हाथ उठा कर देती हूँ, मौला परिंदर पाक का सदका, अल्लाह सबकी सलामती करे, सबके लिए कामयाबियाँ हो, सबकी से सलामती हो, सबको इज्जत जिल्लत से बचाए मौला परिंदर पाक का सदका, सब सलामत रहो, मेरे बच्चे हैं सारे पाकिस्तान हो इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉलिटिशियंस के बीच में एक दीवार है, बकाया आपस में लोगों का प्यार बहुत है, और माँ तो माँ ही होती है, बेशक ऐसे ही हो या पाकिस्तान में हो, मैं आप जरा काम शाम कर लूँ, हम जरा घर डेकोर कर लें, ठीक है, चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, ये देखें जिस तरह ये हमारे नेबर्स ने अपना घर किया हुआ ना डेकोर, इसी तरह हमने टॉप पे लगाना है जी अपना इंशाल्लाह झंडा, और साथ ये जो झंडियाँ थोड़ी बहुत हम लेके आए हैं वो हम लगाएंगे यहाँ पे, क्या बात है क्या बात है, अभी जब हम झंडियाँ लगाना स्टार्ट करने लगे थे तो मेरे दिमाग में चल रहा था याला पाक गर्मी बड़ी है, अब तेरा बंदा धूप में खड़ा होकर काम करेगा हैं, अपने पाकिस्तान की खुशी मनाएगा, अल्लाह मियाँ ने कितना प्यारा मौसम बना दिया, लो जी झंडा हमारा तैयार हो गया, अच्छा भाई पहले जो है वो झंडा लगा लेते हैं ऊपर टॉप पे, ठीक है, उसके बाद झंडी वाली साइड पे आते हैं,
सीढ़ी ले आयो, पहुंचो शाबाश, चलो मैं आपके साथ आता हूँ झंडा लेके। चलो बिस्मिल्लाह। आ गया अभी, आ गया बाजा गैंग, आ गया हमारी सोसाइटी के बच्चे सारे आए हैं। कहता है भाई व्लॉग बना रहे हो? मैं कहा हाँ जी व्लॉग बना रहा हूँ, हमें भी व्लॉग में लेके आओ। मैं कहा बेटा व्लॉग में एंट्री तब मिलेगी जब आपके पास होगा। चलो जा भाई, जा भाई। आ गया मैं भी, आ गया। अच्छा जी, आज ऊपर आया ही तो आपको दिखाऊं कि अम्मा ने वहां पर बीज फेंके थे कद्दू के, ठीक है। ये वहां से बेल चली है और अब ये पूरी फ्रंट एलिवेशन तक आ गई है। अब ये माली ने पकड़ के ऊपर बांध दी है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे कद्दू लगा भी हुआ है छोटा सा ना, अभी नजर नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन उतार लिया दो। ये से सारा दीवार हमारी कवर कर ली है। चलो जी यार, ये दुनिया जहान के प्रैंक हमारे साथ क्यों होने होते हैं? हम लड़ियां लेके आए हैं, ठीक है। उसने वहां पर लड़ियां दिखाई, उसने कहा हाँ हाँ वधू वधू। अब ये छोटी छोटी सी लड़ियां हैं, ये वहां तक जानी नहीं है। अब बेचारा अवैस इस तरह गोल गोल करके लगा रहा है वैसा। अब प्रैंक हो गया फिर यार, हम ही क्यों, हमेशा हम ही क्यों। आए 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 भाई, बुरा नहीं लग रहा यार, क्या सही लग रहा है यार, बुरा नहीं लग रहा। चल झंडा तो लगा ले, अब झंडा लगा ले, चल ऊपर छत पे चलना पड़ता है, उसे सीढ़ी नहीं है, चढ़ना पड़ेगा दीवार से। चल अच्छा भाई ऊपर जाना, वो देख रहे हो डंडा, वहां पर जाकर झंडा लगाना। अब यहाँ पे सीढ़ी नहीं है हमारे, ठीक है। अब बचपन में जैसे दीवारें फैलांगते थे ना गुड्डे पकड़ने के लिए, वैसे चढ़ना पड़ेगा, और वो मैं ही चढ़ सकता हूँ, ये नहीं चढ़ सकता। बिस्मिल्लाह। ओए ओए हाथ रखी, बच्चो हाथ रखो, बच्चो हाथ रखो, सारे पकड़ लो, सब पकड़ लो, पकड़ लो। शाबाश, दिमाग के गिरूं ना मैं गिर गया तो ब्लॉग किसके देखोगे फिर, ठीक है। ये हो गया मेरा मिशन कंप्लीट। पाकिस्तान जिंदाबाद। किस कदर हसीन लग रहा है भाई साहब, माशाल्लाह। मम्मा जी, मम्मा आओ दिखाऊं, लग गया, आ जाओ, हाथ धो हाथ धो हाथ धो, आ जाओ आ जाओ। बड़ी मुश्किलों से लगाया, सीढ़ी से जगह ही नहीं थी मिल रही ऊपर चढ़ने की, दीवार पे हाथ रख के तो फिर चढ़ाऊं। देखो इधर आओ, एंड पे आके देखो, अब देखो कैसा प्यारा लग रहा है। हाँ वैस ओके, 14 अगस्त हो गई पूरी, और कुछ है? चलो बच्चा पार्टी फिर आ गई है। हाँ जी बताओ अब क्या हुआ? एक छोटा सा फेवर देंगे। फेवर? क्या फेवर? ब्लॉग में क्या ले आऊं? ब्लॉग में। ब्लॉग में ले आऊं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोग ब्लॉग में आए हो। छोटा सा क्लिप था भाई। अच्छा जी, एक काम करो फिर मोबाइल तुसी फाड़ लो, तुसी ब्लॉग कर लो अज, तो मैं थोड़ा जहा लेना, बस मैं कह दांगा वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। ये सारे मेरी सोसाइटी के बच्चे हैं और सारे अपने शहजादे हैं, 14 अगस्त मना रहे हैं फुल जोरों शोर से। शाबाश शाबाश, वाह क्या सुरीली आवाज है। ओके काफी है, चलो डन। चलो जी अवैस की 14 अगस्त की सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गई, मैं अब बोर हो रहा हूँ। दूर का रिश्तेदार मतलब गजल अपने घर जा चुकी है, अम्मा बाबा तो बैठे हैं ना, बस लास्ट बार तंग करूंगा, उसके बाद व्लॉग एंड कर दूंगा, ठीक है। आ जाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह पाक खैर करना। यार आप कट्ठे कट्ठे ना आया करो। ओए मम्मा मेरा मेरा बाजा तोड़ दिया यार, मेरे मम्मा मेरा बाजा, तेरा बाजा, तेरे बाजे का कुछ नहीं है, देर बाजा ले 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 ले। मम्मा सुबह से तेरे दिमाग खराब हो गया, डा 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 रही। मेरा बाजा, गरीब नु खुश नहीं देख सकते है ना, गरीब तो उंज ही तबाह है बेचारा, जाने वे साडा बाजा तोड़ता ही। मम्मा ने तोड़ा, मार मम्मा को, मम्मा ने तोड़ा, पैसे दो मुझे नहीं पता, 6000 का लेके आया था, 6000 का लाया था, पैसे दो। अच्छा यार मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ,
मेरा बाजा तोड़ दिया। आप सब अपना ख्याल रखें, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। होती है मुलाकात नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।